हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम आज जा रहे हैं पशुपतिनाथ के मंदिर। हम हैं नेपाल के काठमांडू में और रेस्ट हाउस पर रुके हुए हैं एक हम, और ये रहा वो रेस्ट हाउस। और हम जा रहे हैं अभी पशुपतिनाथ के मंदिर, और मंदिर में जो है वो फ़ोन ले जाना मना है, तो इसीलिए जहाँ तक का वीडियो बन पाएगा मैं आपको दिखाऊँगी, और उसके बाद फ़ोन मुझे स्विच ऑफ करके अंदर रखना होगा। तो जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ तक का जाने का। और सुबह सुबह हम लोग नहा धो के तैयार होकर निकल गए हैं जाने के लिए मंदिर, है ना परी? तो चलिए चलते हैं। सालू क्या हुआ? सालू ये बहुत चौपते हैं। मम्मी कहाँ गई बेटा? लेकिन ये ठीक है, सालू का ही दे 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 देख 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 भैया देख भैया सानो इधर तो देख भाई चानो। अरे सानू सानू कहाँ जा रही है? हम लोग चल के जाएंगे मंदिर। नहीं गाड़ी में। तो हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ के मंदिर, और यहाँ पर ये गेट है उसका मेन गेट, और बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे ही अंदर जाने के। तो जो हमारे रूम से पास में पड़ रहा था उस रास्ते से हम आ रहे हैं अंदर, और हम गेट के अंदर आ चुके हैं, और बहुत दूर तक रास्ता है मंदिर। वाह, यहाँ पर से सब सामानें मिलना चालू हो गई हैं, दुकानें चालू हो गई हैं, और ये है गेट। तो हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पर हमारे साथ परी, पीछे आ रही है सानू। और बस हम चलते ही जा रहे हैं। बहुत लंबा रास्ता है, और यहाँ से पैदल ही जाना है आपको अंदर मंदिर तक। तो बहुत ही बड़ा मंदिर है, और उसके चारों तरफ से रास्ते भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और बहुत दूर तक का रास्ता है ये। पूरे मंदिर जाने के लिए दुकानें लगी हुई हैं पूरी लाइन से यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे काफ़ी सारे लोगों का घर भी है, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आपको आते जाते भी दिख जाएंगे। पानी ले लेना। इंडियन का 20 है और नेपाल का 25। हाँ। यहाँ पर के दुकानों में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जिसका इंडियन रेट अलग होता है और नेपाली रेट अलग होता है। मतलब लोग देख के वो बात करते हैं, इंडिया से हैं तो आप इंडियन करेंसी भी आपकी चल जाएगी। तो जैसे कि बॉटल में था उसी हिसाब से थोड़ा आपको कम पड़ेगा नेपाली की तुलना में इंडियन वाले, और 100 इंडियन 100 का नेपाली में 160 रुपीज़ 160 रुपये होता है। तो जहाँ से भी आप सामान लेंगे तो आपको पहले कंफर्म करना होगा कि किस में दे रहे हैं, वो इंडियन में या नेपाली में। उसके बाद आप वहाँ से इंडियन रुपीज़ भी दे सकते हैं, इंडियन करेंसी भी, या आप चाहें तो अपने पैसे को चेंज भी करवा सकते हैं वहाँ से।
और 100 तक के 200 तक के नोट चल जाते हैं यहाँ पर, और 10 से लेकर 200 तक के, और 500 के नोट नहीं चलेंगे, और 500 तो बड़ा हो जाता है तो इसलिए नहीं चलता। तो आप आएंगे तो थोड़ा चिल्लर लेते आइएगा आप साथ में, चिल्लर मतलब खुले नोट, और चिल्लर मतलब सिक्का तो चलेगा नहीं यहाँ पर, और सिक्का 5 का 10 का 2 का सिक्का नहीं चलता है यहाँ पर, सिर्फ नोट चलते हैं। और यहाँ पर ये मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पंडित जी ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पूजा पाठ करवाते हैं। तो आपको पूजा करवाना है तो आप इनसे मिलकर पूजा करवा सकते हैं। और ये मंदिर का मंदिर छोटे छोटे मंदिर के अंदर ही चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे इस टाइप के मंदिर बने हुए रहते हैं, छोटे छोटे और भी कई सारे भगवान बैठे हुए हैं इन मंदिरों में। तो आप आएंगे तो यही सब भी घूमिएगा, और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है यहाँ पर। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं ढेर सारे, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है पूरे साल भर। ये सारे पंडित जी बैठे हुए हैं, और यहाँ से हम कुंड दिख रहा होगा यहाँ पर, आप कुंड है ये ठंडा वगैरह करने के लिए, जैसे आप पूजा पाठ कराते हैं तो उसको आप यहाँ पर ठंडा कर सकते हैं कुंड में। और उसके उस पर कुछ जल रहा है, और शायद पता नहीं क्या जल रहा है। और हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, अंदर ही जा रहे हैं, और भगवान जी का मंदिर अभी आ ही नहीं रहा है। मतलब इतना बड़ा मंदिर है कि चलते जाइए, आप घूमते जाइए, कम से कम आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे घूमने में। मैं पूरा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मंदिर का, और जितना मैं बना पाई हूँ उतना ही दिखा रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और मंदिर के अंदर ऐसे बहुत सारे ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं, और बस चलते ही जा रहे हैं। तो आगे चलते जाइए, आपको दिखेगा जो जो दिखेगा, मैं सब चीज़ें दिखाऊंगी मंदिर के अंदर क्या क्या है। और यहाँ पर पार्किंग निषेध है, मतलब नो पार्किंग है, तो यहाँ तक आप बाइक वगैरह से आ सकते हैं, और यहाँ से आपको पैदल ही अंदर जाना होगा। और ढेर सारे टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर, और चलते हैं हम अंदर की ओर। पापा लोग कहाँ हैं? आजा हाँ, नेपाली 200 का है ना, 250 का, इंडियन 150। हाँ, आप लोग का ग्रुप का है कि जगह रख लीजिए ना। हाँ ये है ना। क्या नाम है होटल का? होटल का क्या नाम है? चलो भैया।